अरे टुटुओ क्यों रही हो, हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही। अच्छा जब तक मुझे बताओगी नहीं हुआ क्या है तो मुझे कैसे पता चलेगा। हाँ अच्छा ये लो बताओ हुआ सुना तो मन वो हमारी शादी का जोड़ा जो आपने मुझे लेकर दिया था वो गुम हो गया। इसमें रोने वाली कौन सी बात है, ये लो पानी पियो। रोने वाली बात है, रात आलिया भाभी को फोन करके बताया था मैंने, लेकिन सुबह वो उस डिजाइनर के स्टूडियो जाके सीसीटीवी चेक कर कर आई, जैसे किसी को मेरी बात पर एतबार ही नहीं है। सब लोग सिर्फ मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। क्या मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो अपनी शादी का जोड़ा घुमा दूंगी? बस इतनी सी बात। अच्छा प्लीज रोना तो बंद करो, ये आंसू साफ करो और पानी पियो, रिलैक्स काम डाउन। आलिया भाभी घर आई थी, मुझसे सवाल जवाब कर रही थी, इतनी शर्मिंदा हुई मैं सबके सामने, वो भी नाराज होकर चली गई। और शादी पर क्या पहनूंगी कबीर, कहाँ से आएगा अब जोड़ा? फलक मुझे लगता है तुम ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो, एक जोड़ा ही तो है, नया ले लेंगे, और शादी है जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बल्कि एक काम करो, तुम आलिया भाभी के साथ जाओ और जाकर नया जोड़ा ले लो, सिंपल। मैं अब उनसे कुछ नहीं कहूंगी, कैसे कहूं उन्हें कि दोबारा से शॉपिंग करवा दे, मैं अब उनसे कुछ भी नहीं कहूंगी। अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ, मेरे साथ चलो, मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें शॉपिंग पर, अब खुश? नहीं आप रहने दे, मैं नवाल आप इसे कहूंगी, वो जरूर कोई हल निकाल लेंगे, मैं दोबारा आपको जहमत नहीं देना चाहती। ये क्या बात हुई, और इसमें जहमत की कौन सी बात है, इनफैक्ट मुझे तो अच्छा लगेगा तुम मेरे साथ शॉपिंग पे जाओगी, ट्रस्ट मी। प्लीज रिलैक्स। जब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो चली जाती हूँ। ये हो गई ना बात। अच्छा मुस्कुराओ, ये हुई ना बात,